particularly the MacMohan line where it crosses. But during British time, हम उसे चाइना नहीं कहते थे हम उसे तिब्बत कहते थे right? And India और चाइना के बीच में तिब्बत की सरकार हुआ करती थी Basically, कहानी है Lord Curzon की Lord Curzon uh, जो गवर्नर जन जो वॉइस रॉय रहे आई बैग योर पार्टी जो वॉइस रॉय रहे फ्रॉम 1901 जीरो वन ऑनवर्ड्स गवर्नर जनरल वॉइस रॉय लॉर्ड कर्जन जो थे वो बहुत ज्यादा चिंतित थे इस बात की कि हाउ कैन रशिया बी स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द इंडियन सबकॉन्टिनेंटल पॉलिटिक्स कि इंडियन सबकॉन्टिनेंटल पॉलिटिक्स में रशिया को कैसे रोका जाए बेसिकली अफगानिस्तान और तिब्बत एक ऐसे पावर वैक्यूम बन रहे थे जहाँ पर रशिया की एंट्री हो सकती थी लॉट कर्सन इस बारे में काफी चिंतित थे और उन्होंने तिब्बत को कैप्चर करने का फैसला किया ये फैसला 1903 के आसपास में हो रहा था एंड ही सेंट सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड जो आप देख सकते हैं सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड ने 1903 में अपनी एक्सपेडिशन शुरू की और 1904 के आते आते एंड ऑफ 1904 वो तिब्बत पर जीत हासिल कर चुके थे उस जमाने में चाइना में चिंग डायनेस्टी हुआ करती थी ओके और चिंग डायनेस्टी के लोग तिब्बत की सरकारों पर या तिब्बत के दलाई लामा के सेटलमेंट्स uh, पर वो एक प्रकार से हक जमाते थे दिस वॉज अ काइंड ऑफ डी फैक्टो रूल यानी कि अपने वर्चस्व की लड़ाई ना ब्रिटिशर्स uh, ये इस प्रकार की uh, तिब्बत के सरकारों को या इवन चिंग डायनेस्टी की सरकारों को तिब्बत का क्षेत्र देना नहीं चाहती थी और ये इंडिया के हक में रहा एक प्रकार से uh, तिब्बत कॉन्क्वेस्ट काफ़ी सक्सेसफुल हुआ इतना ही नहीं डोकलैम प्लाटू को भी ब्रिटिशर्स ने लीज़ पर ले लिया फॉर सेवेंटी फाइव ईयर्स जी हाँ वही डोक्म प्लाटू जो जो 2017 में न्यूज में था बिकॉज इंडिया और चाइना के बीच और भूटान के बीच ये प्लाटू स्थित है और एक प्रकार से आज भूटानीज टेरिटरी के नाम से जाना जाता है बट उस जमाने में भी डोक्म प्लाटू इंडिया के कब्जे में यानी कि ब्रिटिश इंडिया के कब्जे में हुआ करता था फाइनली जो आप मैक मोहन लाइन जानते हैं तिब्बत और इंडिया के बीच की लाइन जो आज चाइना और इंडिया के बीच की लाइन बन गई है वो आ रही थी 1914 में ठीक है 1914 में क्यों सबसे पहले 1904 में आपके पास सवाल आ सकता है कि सर 1904 में हम लासा में जीत गए तो 1914 में बाउंड्री क्यों बन रही है इसका एक सिंपल रीजन यह था कि 1911 में 1911 में चिंग डायनेस्टी चाइना में खत्म हो रही थी ओके चिंग डायनेस्टी चाइना में खत्म हो रही थी और चिंग डायनेस्टी के चाइना में खत्म होने के साथ ही इंडियंस यानी कि ब्रिटिश इंडियंस तिब्बतीज और नए आ रहे चाइनीज मोनार्क के बीच में शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ या शिमला कन्वेंशन हुआ और इस शिमला कन्वेंशन में यह तय किया गया कि अब तिब्बत को कैसे आगे एडमिनिस्टर करना है और तिब्बत और इंडिया के बीच में कौन सी लाइन होगी तिब्बत को दो भागों में बांटा गया जो आप देख सकते हैं आउटर एंड इनर तिब्बत आउटर तिब्बत का मतलब जो भारत की तरफ जो यानी कि जो नीचे की तरफ है भारत की तरफ है और जो चाइना की तरफ तिब्बत है उसे इनर तिब्बत कहा गया आउटर तिब्बत में चाइना की नॉमिनल सॉवरेनिटी मानी गई यानी कि उन्हें नॉमिनल सोवरेनिटी दी जाएगी लेकिन आउटर तिब्बत में सरकार होगी लामाओं की जिसे हम कहते हैं गैंडन फोड्रे गवर्नमेंट ये लामाओं की सरकार थी जो 1600 के आसपास से चली आ रही थी और इसी सरकार को ब्रिटिशर्स ने भी तवज्जो दी और ये कहा कि वो तिब्बत का क्षेत्र जो भारत की तरफ लगेगा वहां पर गैंडन फोड्रे गवर्नमेंट की स्थापना होगी और चाइनीज सोवरेनिटी नाम की होगी इन्हीं तिब्बत और भारत के बीच में अब पड़ रहा था मैकमोहन लाइन जो आप देख रहे हैं ठीक है और इसी मैकमोहन लाइन के दक्षिण में यानी इसी मैकमोहन लाइन के साउथ में जहां से बुमला पास शुरू होती है वहां से तवांग वैली की गांव शुरू हो रही थी एंड दैट इज फ्रॉम वेयर वी टुक आवर एरियाज कि वो भारत uh, की एरियाज माने जाने लगा This was the simple reason that we took it. Now, iske baad change aata hai world wars aur tawang ki story में। जब world wars chala particularly the second world war, 1938 में तवांग का वो area attack में आ गया by Axis powers. Axis powers आप जानते हैं Germany, Japan, Italy जो एक्सिस पावर के तौर पर पार्टिसिपेट कर रहे थे और अलाइड पावर्स जिसमें ब्रिटेन सबसे आगे शामिल था सो so, ब्रिटेन जो भारत ब्रिटेन के साथ था ऑब्वियसली भारत पर भी हमला होना था भारत में कोहिमा बैटल जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए बहुत ज़्यादा जा, जाना जाता है बट तवांग में भी हमला हुआ और इस हमले से डर के यानी कि हमले के बाद ऑब्वियसली लामाओं ने ये कहा कि हम भारत के साथ मैकमोहन लाइन की रिस्पेक्ट करेंगे कशाक जो उनके ऑफिशियल ऑफिशियल्स का नाम रहता है उन्होंने भारतीय गवर्नमेंट को ऑफिशियल चिट्ठी लिखी जिसमें कहा कि हम मैकमोहन लाइन पर अध्ययन करेंगे हम बात करेंगे साथ ही साथ ये दूरंदेशी देशी थी सरदार पटेल की अब एंट्री होती है हमारे आयन मैन की हमारे सरदार की जिन्होंने ये काफी पहले देखा था कि शायद तिब्बत आज न कल चाइना के अंदर जाएगा शायद उन्हें पता था कि लामाओं की सरकार में चाइना को या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को झेलने की शायद उतनी ताकत नहीं है हालांकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी गृह युद्ध में फंसी हुई थी बट सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तत्परता दिखाई और काफ़ी पहले दो लोगों को नियुक्त किया गया ये दो लोग आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एक हैं श्रीमान जयराम दौलत राम जी जो आप यहाँ पे नेहरू जी के साथ देख सकते हैं बाबू जगजीवन राम हैं पीछे गोविंद वल्लभ पंत हैं यहाँ पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी हैं एंड दिस सीम्स टू बी द फर्स्ट पिक्चर ऑफ द फर्स्ट कैबिनेट बट यहाँ पर सबसे आगे खड़े हैं जयराम दौलत राम जो उस ज़माने में नेफा के गवर्नर हुआ करते थे नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी के गवर्नर हुआ करते थे और यहाँ मेजर बॉब खटिंग को मेजर बॉब खटिंग और जयराम दौलतराम दोनों ने एक तरीके से पटेल के काबिल सिपाहियों की तरह काम किया एंड ऑफकोर्स इमिजिएटली आफ्टर द कमिंग अप ऑफ गवर्नमेंट सरदार पटेल ने तवांग और तवांग के एरियाज और आउटपोस्ट को सिक्योर करने का फरमान जारी किया ऑफ कोर्स पटेल डाइज एट अराउंड 1950, 1950 में उनकी मृत्यु हो रही है बट इसी को कहा जाता है 1950 के दिसंबर में उनकी मृत्यु हो रही है बट मृत्यु से पहले उन्होंने बॉब खटिंग और जयराम दौलतराम दोनों को भी कहा था कि आप तवांग में आउटपोस्ट जरूर बनाएंगे और उसको फिजिकली ऑक्यूपाई करेंगे हमें उनसे कोई मतलब नहीं है आ, कि लामा की सरकार क्या कह रही है या नहीं कह रही है तवांग जो हमारे क्षेत्र में आता है वहाँ पर असम राइफल्स के जवान होने चाहिए ये उन्होंने शायद आ, अपने जाते हुए अपने स्वर्गवास जाते हुए शायद आखिरी इंडियन इंटीग्रेशन की स्थापना की आखिरी इंडियन तोहफा इंडियन स्टेट uh, का तोहफा भारत को दिया क्योंकि 1951 में February में मेजर बॉब खटिंग असम राइफल्स के तीन टुकड़ियों के साथ तवांग पहुंचते हैं और वहां पे अपने आउटपोस्ट्स गाड़ देते हैं भारत एक तरीके से वहां पर काबिज था थैंक्स टू द लॉन्ग साइटेडनेस ऑफ सरदार पटेल दैट इज स्टोरी हालांकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है बट uh, कहानी इससे पहले ख़त्म हो जाए आई आई जस्ट विश टू टेल यू दैट सी इग्नोरेंस इज़ ऑफ एंड कॉस्टली देन एजुकेशन पर्टिकुलरली विध रिस्पेक्ट टू वैन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हम चाहते हैं दैट ये जो स्टोरीज़ हैं ये जो कहानियाँ हैं जो सिलेबस की स्टॉप गैप्स पॉलिसीज हैं इसके साथ साथ आप सिलेबस को पूरे तरीके से भी कवर करें ऑब्वियसली वो होगी रेगुलर क्लासेज के साथ इफ़ यू हैव नॉट जॉइन एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग टू प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर प्रम्स Please join us. Please see to it that you don't have to avail any costly avenues. That you sit at uh, the comfort of your home and yet avail the best education possible. So, this is my humble request to you. Now, coming back to the story, use the code whenever you want to enroll it. Coming back to the story. स्टोरी में ट्विस्ट ये था कि सरदार पटेल शायद अब संभालने के लिए चीजें नहीं थे और थे तो जवाहरलाल नेहरू माओ से तुंग इस बात से काफी खफा थे 1949 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी आ रही है 1949 में दे दे न्यू दैट हैड टू मैंने आपको बताया कि तवांग में आउटपोस्ट्स भारतीय आउटपोस्ट्स हैं और 51 के अक्टूबर नवंबर में ही दलाई लामा को एक तरीके से 17 पॉइंट प्रोग्राम के तहत प्रेशर किया गया बाय होम बाय नंद लेस बाय माओ से तुम और दलाई लामा उसी के एवज में आते हैं और एंट्री कहां करते हैं भारत में उसी तवांग के थ्रू तो आप समझ सकते हैं लाइक तवांग हैपेंस टू बी द वेलकमिंग पॉइंट ऑफ द लाई लामा एंड दिस इज वेयर द स्टोरी ऑफ तवांग एंड्स नॉट ओनली दिस 62 में ये बात बिल्कुल सच है कि इंडो चाइना वॉर के दौरान तवांग आल्सो फॉल्स अगेन टू द चाइनीज बट दे विद्रॉ इट जब वो पीछे जाते हैं तो तवांग को वापस भारतीयों को सुपुर्द करके जाते हैं दिस बिकम्स एन इंटरेस्टिंग फेससेट ऑफ हिस्ट्री एक ऐसा फेस सेट विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर करेंट अफेयर्स एंड दैट इज वाई वी ब्रिंग इट टाइम एंड अगेन टू यू दिस इज कॉल्ड एज टाइम कैप्सूल अगर आपको लगता है